Good morning, class 4th students. I hope that you all are doing good. Today I am going to explain your next chapter in EVS, chapter 24, Home and Abroad. I hope that you all have completed your previous chapter. So let's start with the reading. Today there was a lot of activity at Malu's house. आज जो है मालू के घर में बहुत सारी activity हो रही है. Chittappan and his family were coming home after 5 years. क्यों हो रही है? क्योंकि Chittappan की family जो है लगभग 5 years के बाद जो है उनके घर वापस आ रही है. यहाँ पे क्या दिखाया गया? होम एंड एब्रॉड, मतलब बाहर से कुछ लोग मालू के घर में आ रहे हैं. Chittappan had got a job in country called Abu Dhabi 5 years ago. Chittappan को जॉब मिली थी अबू धाबी में. ठीक है, अबू धाबी इज अ कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की जो है कैपिटल है. ओके, सिंस देन ही लिव्ड देयर. मालू एंड हर अप्पा वेंट टू एयरपोर्ट टू रिसीव देम. तो ये लोग जो है वापस आ रहे हैं अबू धाबी से, और मालू के अप्पा और मालू खुद जो है उनको एयरपोर्ट पे लेने गए हुए हैं, रिसीव करने गए हुए हैं. आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर हैड टू वेट फॉर सम टाइम्स टू कलेक्ट देयर लगेज. प्लेन लैंड होने के बाद जो पैसेंजर्स हैं उनको वेट करना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए अपने लगेज को कलेक्ट करने के लिए. एट लास्ट Chittappan, कंजू मामा एंड देयर टू चिल्ड्रन कुड बी सीन कमिंग आउट. इसके बाद लास्ट में उन्होंने देखा Chittappan, कंजुमा और जो उसके दो बच्चे हैं उन लोगों को उसने बाहर आते हुए देखा. हाउ बिग शांता एंड ससी हैव ग्रोन, अप्पा सेड. अप्पा ने कहा कि कितने बड़े हो गए हैं शांता और ससी, ये जो इनके दो चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे, ये उनको कहते हैं कि कितने बड़े हो गए हैं ये बच्चे. सून द मेनी सूटकेस एंड बैग्स वर फिटेड इनटू द टैक्सी एंड एवरीवन हैज ऑन द वे ऑफ मालूज हाउस. सो फटाफट जो है टैक्सी के अंदर सारे सूटकेस वगैरह को रखा गया और सभी मालू के घर की तरफ रवाना हो गए. शांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर लॉन्ग जर्नी. अप्पा टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज अनदर कंट्री फार फ्रॉम इंडिया, सेड मालू. अब मालू ने कहा शांता तुम तो बहुत ज्यादा थक गए होगे क्योंकि इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद, क्योंकि अप्पा ने बताया है कि वो हमारी इंडिया से बहुत दूर है, अदर कंट्री में है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. We were not tired, even though it is far. Our flight took only 2 hours, said Shanta. The plane flies very fast. अब शांता कहती है कि नहीं, हम थके नहीं हैं, even though वो बहुत दूर है, लेकिन हमारी फ्लाइट ने जो है सिर्फ 2 hours लिए हमें यहाँ तक पहुँचाने में. ओके, बिकॉज प्लेन जो है वो बहुत फास्ट फ्लाइज करता है, बहुत जल्दी जो है बहुत तेजी से उड़ता है. मालू वॉज सरप्राइज्ड. She remembered that when she had gone on the school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train. अब मालू जो है बहुत सरप्राइज हो जाती है. क्यों होती है सरप्राइज? क्योंकि उसे याद आता है कि जब वो चेन्नई गई थी अपने स्कूल ट्रिप में, तो उस ट्रिप ने उसने ट्रेन की जर्नी ली थी और उस ट्रेन की जर्नी से उसे 12 आवर्स लग गए थे चेन्नई जाने में. एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्स क्वाइट नियर. और वो कहती है कि और मैप में देखने पे कोची और चेन्नई बहुत ज्यादा पास ही दिखते हैं. मालू, शांता एंड ससी चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. मालू, शशि और जो शांता थे, तीनों के तीनों जो है एयरपोर्ट से घर आने तक कंटिन्यूसली बातें करते रहे. मालू रिमेम्बर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप. मालू को याद आता है कि उसने कितनी सारे जो है फन किए थे अपने स्कूल ट्रिप पे. शी वॉन्टेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी. और वो चाहती थी कि जो शांता है वो भी बताए अपने अबू धाबी के ट्रिप के बारे में. डस्ट ऑल अराउंड. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. डिड यू सी मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क मालू. मालू ने पूछा कि क्या तुमने प्लेन से कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें देखी. मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज ऑफ द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई. अब वो बताती है कि नहीं, बहुत टाइम तक तो हमें सिर्फ क्लाउड्स ही दिखते हैं, बादल ही दिखते हैं, क्योंकि जो प्लेन है वो बहुत ऊपर तक बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, सेड शांता. बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर द सैंडी एयर्स. अब जब वो लेकिन जब उड़ने से पहले उसने कहा कि जब वो उड़ रहा था, जब हमारा प्लेन फ्लाई कर रहा था, तो उससे पहले हमने क्या देखा कि सिर्फ चारों तरफ बहुत सारे डस्ट ही डस्ट, सैंडी एयर्स देखे. ठीक है,
सैंडी एरियाज ही उन्हें वहां पे दिख रहे थे, बहुत चारों तरफ जो है सैंड वगैरह ज्यादा दिख रही थी। तो अबू धाबी एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ज्यादा धूप होती है, ओके, बहुत ज्यादा तेज सनलाइट होती है, वाटर नहीं होता है, वहां पे जो है सैंडी एरियाज ज्यादा है, ओके। इट वॉज सैंड बट द कलर वॉज सॉरी कलर ऑफ द सैंड कैप्ट चेंजिंग व्हाइट ब्राउन येलो रेड ब्लैक। अब उसने कहा कि सैंड तो था लेकिन उसके कलर भी जो है चेंज थे, जैसे व्हाइट था, ब्राउन दिखा, येलो, रेड, ब्लैक, इस टाइप के उसके कलर्स भी थे। वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली सैंड, हमने वहां पे माउंटेन्स भी देखे जो सिर्फ सैंड से ही बने हुए थे। दे आर कॉल्ड सैंड ड्रन, उनको जो है सैंड ड्रन्स भी कहते हैं, ठीक है। रेत का जो है टीला या हम कह सकते हैं कि उसको रेत का माउंटेन भी कहते हैं, एडेड शशि, शशि ने बोला इसके बाद। I have seen sand only at the seashore, said Malu. Malu ने कहा कि मैंने तो जो सैंड है वो सिर्फ समुद्र वगैरह के किनारे ही देखा है, seashore पे ही देखा है, जो समुद्र है उनके ही किनारे पे मैंने सैंड देखा है। Then you should come to visit us, said Chittappan. Chittappan ने कहा कि ठीक है तुम हमारे साथ आना, विजिट करना, हम तुम्हें दिखाएंगे। Now come to the next page. The countries around Abu Dhabi are located in the desert area, even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand. No trees, no greenery, just sand. अब वो बताते हैं कि अबू धाबी एक ऐसी कंट्री है जहां पे चारों तरफ देखने में सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट दिखता है, ठीक है, सिर्फ डेजर्ट एरिया ही है वहां पे। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल वे फॉर द सिटी, चाहे आप कहीं भी चले जाए सिटी में, आप चारों तरफ बस सैंड ही सैंड दिखता है। वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, दूर दूर तक बस सैंड ही दिखते हैं। नो ट्रीज नो ग्रीनरी जस्ट सैंड, कोई ग्रीनरी नहीं दिखती है, हरियाली नहीं दिखती है, ट्रीज नहीं दिखते, सिर्फ सैंड ही दिखते हैं। आई यूज टू ड्रीम ऑफ अ थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड अवर होम इन केरला, सेड कंजुमा। कंजुमा ने कहा कि मुझे तो मेरा तो सपना था कि मैं कब ग्रीनरी देखूंगी, कब वाटर देखूंगी अपने चारों तरफ केरला, जैसे हम केरला में रहते थे तो केरला में सबसे ज्यादा क्या है, ग्रीनरी है, वाटर बॉडीज है। ओके आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत खुश हुई ये सारी चीजें इतने लंबे समय के बाद देखने में, ठीक है। उसकी कंजुमा, उसकी जो मदर है शशि और शांता की, उन्होंने ऐसा कहा। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन, और यहाँ तक कि बच्चे भी भूल चुके हैं कि जब रेन होती है तो यहाँ पे कितना अच्छा लगता है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन डेजर्ट एरिया, आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में बिल्कुल भी रेन नहीं होती है, सेट चितप्पन। चितप्पन ने कहा वॉटर इज रियली वेरी प्रीसियस ओवर देयर, नो रेन नो रिवर्स नो लेक्स नो पॉन्ड्स। उन्होंने कहा जो वॉटर है वो बहुत ज्यादा प्रीसियस है वहां पे, बहुत कीमती है, रेन नहीं है वहां, रिवर्स नहीं है, लेक्स नहीं है, पॉन्ड नहीं है। इवन बिलो द ग्राउंड There is no water, even जमीन के अंदर भी, ठीक है, below the ground भी जो है कोई water नहीं है। But added शशि, फिर शशि बोलती है there is lot of oil under the sandy soil। इसके बाद वो कहते हैं लेकिन उस soil के नीचे जो है क्या है, oils है, ठीक है, oil वहां पे बहुत ज्यादा है लेकिन water नहीं है। So petrol is easily available in these country, तो वहां पे petrol जो है ज्यादा मतलब easily available है। इनफैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, यहाँ तक कि पेट्रोल जो है वाटर से भी सस्ता है, ठीक है, सेट चितप्पन। चितप्पन ने कहा वहाँ वाटर महंगा है बट जो पेट्रोल है वो बहुत सस्ता है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो सैंडी एरिया है, सैंडी सॉइल है, उसके नीचे सिर्फ ऑयल ही ऑयल है, ओके। बट दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालू हाउस, अब जो है टैक्सी मालू के घर पे पहुंच जाती है टैक्सी। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मेनी फ्रूट्स ट्रीज, कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बेटलैंप, ये सारी चीजें वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं बच्चे, जब देखते हैं कि इतने सारे फ्रूट्स के ट्रीज है, सो मेनी काइंड ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। शशि सेड वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री, द डेट्स प्लम। अब वो कहती है कि हम तो वहां पे सिर्फ एक ही टाइप का ट्री देख पाते थे, सिर्फ खजूर के पेड़ हमें दिखते थे वहां पे, बिकॉज इट इज द ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट, क्योंकि सिर्फ यही है जो डेजर्ट एरिया में, उस डेजर्ट जगह पे जो है ग्रो करता है। द डेट इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट, जो डेट है वहां पे वहां का मोस्ट कॉमन फ्रूट है, ओके, जिसको खजूर कहते हैं, ओके, हिंदी में खजूर कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज।
नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स. अब वो लोग वहाँ की कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं. आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, कंजूमा अनपैक देयर बैग्स, दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन. इसके बाद जब वो लोग सबसे मिल लेते हैं तो कंजूमा जो उनकी मदर है वो बैग्स को ओपन करती है और सभी के लिए गिफ्ट्स वगैरह निकालती है. दे गिव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, सभी सबको वो डेट्स देती है खाने के लिए. द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, जो डेट्स होते हैं वो बहुत स्वीट और टेस्टी होते हैं. शशि शोट मालू सम नोट्स एंड कॉइन्स, शशि जो है कुछ नोट वहाँ के कुछ नोट और कॉइन्स भी दिखाती है. शांता एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज टू अबू धाबी वॉज डिफरेंट एंड वॉज कॉल्ड धीरन. अब वो कहती है कि जो वहाँ पे मनी यूज होता है उसको रुपए नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, धीरम कहा जाता है. ठीक है, DIRHAM, धीरम कहा जाता है वहां की करेंसी को. इट हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल लैंग्वेज, और उसमें पीछे कुछ वहां की लोकल जो अरेबिक लैंग्वेज है वहां की, उस लैंग्वेज में उस पर कुछ लिखा हुआ भी होता है. दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव, और बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं जहां पे वो लोग रह रहे होते हैं. चितप्पन गेव मालू अ ग्लोब, चितप्पन मालू को एक ग्लोब देते हैं. ही सेट, वो कहते हैं मालू, वाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस, क्यों ना तुम अबू धाबी को इसमें इस ग्लोब पे देखो. लोकेटेड केरला ऑल्सो, और यहाँ तक कि केरला को भी देखो. द चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेस ऑन द ग्लोब, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं उस ग्लोब को देखते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेस ढूंढते हैं. मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, मालू को जो चेन्नई और कोची भी दिखता है उसमें. इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द वरांडा एंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग द फोटोग्राफ्स, इसके बाद शाम के टाइम पे सब वरांदे में बैठते हैं, जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं उसको इंजॉय करते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं. दे सॉ दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वर टॉल विथ मैनी स्टोर्स एंड बिग ग्लास विंडोज, मालू सेट. मालू कहती है कि अबू धाबी जो जगह है वहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत मैनी स्टोरीज वाली बिल्डिंग होती है, हाई क्लास, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है. उसके जो ग्लास होते हैं, जो उसकी विंडोज पे ग्लास होते हैं, विंडोज पे जो है ग्लास लगे होते हैं, मालू ऐसा कहती है. यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडो, तुम्हें तो बहुत अच्छी हवा आती होगी उस बड़ी बड़ी विंडो से, क्योंकि कांच की विंडोज बनी हुई है तो बहुत अच्छी हवा तुम्हें उसमें से आती होगी. चितप्पन से, चितप्पन कहते हैं वी कैन नॉट ओपन द विंडो बिकॉज ऑफ द हीट, हम विंडो को ही ओपन नहीं करते क्योंकि वहां पे सनलाइट इतनी ज्यादा होती है, सन की बिल्कुल सीधी किरणें आती हैं, उसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा हीट होती है. ठीक है, इट इज एयर कंडीशनर इनसाइड, अंदर से एयर कंडीशनर लगा होता है और हम उन विंडोज को ओपन नहीं करते बिकॉज सनलाइट बहुत ज्यादा आती है. वेयर एवरीवन स्टेज, सभी जो है ऐसे ही रहते हैं. एज द वेदर इज वेरी हॉट, पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप देमसेल्फ फुली कवर्डेड, और वहां पे इतनी गर्मी होती है, इतना ज्यादा हॉट होता है कि लोग जो है खुद को पूरा अच्छे से कॉटन के क्लोथ से कवर करते हैं. ठीक है, अपने हेड को भी कवर करते हैं. इवन The head is covered. Even के head भी कवर होते होंगे, आपने देखा है, जैसे आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है, आप देख सकते हैं कैसे उनका जो ड्रेसिंग है वो आप देखिए, कैसे इन्होंने अपने हेड को भी कवर कर रखा है, बॉडी को भी बिल्कुल कॉटन क्लोथ से कवर कर रखा है. ओके, और व्हाइट कलर के कपड़े पहनते ताकि उसमें हीट कम लगे. दिस प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, ये हमें स्ट्रॉन्ग सन से प्रोटेक्ट करता है. मालू एंजॉय लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्रीज फ्रॉम हर कजिन. अब मालू उस पिक्चर्स को देखते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं, सभी देखती हैं और बहुत खुश होते हैं सब लोगों की, अपने कजिन्स के साथ देखती है. She constantly kept comparing her city with the things that they describe about Abu Dhabi. She decided that she would make project report about Abu Dhabi for her class. अब उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेट करके जो है कंपेयरिंग देखती है, कौन सी सिटी की, हमारे इंडिया की, अबू धाबी की सिटीज की, दोनों को जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करती है और उनमें कंपेयर भी करती है. और वो ऐसा डिसाइड करती है कि अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए वो इसी पे जो है अपना रिपोर्ट, अपना प्रोजेक्ट बनाएगी. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स डू सम book exercise. So in downside have a few questions, you can read these questions properly
एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक मेनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन द डेजर्ट. आपको क्या लगता है वहां पे बहुत सारी ट्रीज ग्रो क्यों नहीं होते? बिकॉज ऑफ द सिक्रेसिटी ऑफ वॉटर. और यू कैन राइट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वॉटर. ओके, वॉटर की कमी की वजह से वहां पे जो ट्रीज हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. डू यू हैव एनी रिलेटिव हु लिव इन अनदर कंट्री? क्या आपके कोई रिलेटिव हैं जो आपके यहाँ इंडिया से बाहर रहते हैं? सो यू कैन राइट येस और नो, इट इज योर चॉइस. जिसके रहते हैं वो येस लिखेंगे, जिसके नहीं रहते वो नो लिखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. लुक एट दीज करेंसी नोट. आपको यहाँ पे कुछ करेंसी नोट दिए हैं. ये हमारे इंडिया की करेंसी है. राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर. तो आपको इन करेंसी की, इन नोट्स की वैल्यू लिखना है. ओके, सो ये कितने का नोट है, ये कितने का नोट है, आपको इन सबकी वैल्यूज यहाँ पे बॉक्सेस में लिखना है. सो दीज क्वेश्चन यू हैव टू डू योर सेल्फ. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. टू विच कंट्री डज द करेंसी बिलोंग्स? हाउ डिड यू नो? कौन सी कंट्री कहाँ से बिलोंग करती है ये आपको कैसे पता चलेगा? सो दीज नोट्स बिलोंग टू इंडिया बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिटन ऑन द नोट. तो हमारे इंडिया की जो हमारे कंट्री की जो करेंसी है, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करती है? हमारे इंडिया से बिलोंग करती है. क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हमारे इंडिया के रिजर्व बैंक से जो है मिलती है. ठीक है, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट जहां से बिलोंग करती है वहां का नेम उस पर लिखा होता है. हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स? आप इन पिक्चर इनमें जो है किसकी पिक्चर्स देखते हैं? किसकी पिक्चर बनी होती है हमारे इंडिया की करेंसी में? महात्मा गांधी जी की. ओके, सो यू कैन राइट महात्मा गांधी. कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑफ नोट्स अदर देन वैल्यू? क्या आप किसी का नंबर फाइंड कर सकते हैं? इट इज द सीरियल नंबर ऑफ द नोट. वो क्या है? वो सीरियल नंबर होता है नोट पे. आप अगर किसी नोट को देखें तो साइड में जो है उस पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और वो नंबर उस नोट के सीरियल नंबर होते हैं. ओके, मींस कि उस सीक्वेंस से ये प्रिंट होते हैं. डू यू थिंक दैट टू नोट्स कैन हैव द सेम नंबर? क्या आप समझ क्या आप बता सकते हैं कि दो नोट पे क्या सेम नंबर होते हैं? नो, टू नोट्स ऑफ द सेम नहीं होता है. ठीक है, ऐसा अगर आप देखेंगे तो आप कितने भी नोट देख लीजिए सबके जो सीरियल नंबर्स होते हैं वो चेंज होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक अ 10 रुपीज नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट? अगर आप 10 रुपीज का नोट देखें और उस पर ऑब्जर्व करें तो कितनी लैंग्वेजेस लिखी गई? तो अराउंड 15 लैंग्वेज जो है उस पर रिटर्न की गई होती है. ठीक है, 15 भाषा उस पर लिखी होती है. नाउ राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट. और आपको यहाँ पे जो है उस बैंक का भी नेम लिखना है जहां से हमारे इंडिया का नोट प्रिंट होता है. सो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यू कैन से. नाउ मैच द कॉइन्स. दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ. आपको इसका फ्रंट और इसके बैक को जो है मैच करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. हियर ऑल्सो वन क्वेश्चन. दिस ऑल्सो यू हैव टू डू योरसेल्फ. व्हाट इज दैट क्वेश्चन? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बट यू हैव टू डू योरसेल्फ. लुक एट दीज नोट्स. Do they all belongs to India? Put a circle around notes that are not in India. Find out which country do they belong to. तो यहाँ पे इतने सारे नोट दिए गए हैं. ठीक है, करेंसी है. आपको देखना है कि कौन सा नोट जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा इंडिया का है, कौन सा कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट करके इसके ऊपर मैंशन करने इनके नेम. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द चैप्टर 24. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. Okay, you have to read this chapter properly and complete your book exercise. Thank you so much.